जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने मनोविज्ञान की 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। अभी तक उसमें 75 क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया है। इसके बाद 76 भी हो गया था, अब 77 नंबर से चलेंगे। तो चलिए मित्र, शुरू करते हैं। इसका जो 77 नंबर क्वेश्चन है वह है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद 78, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया है? तो वह है जीन पियाजे द्वारा। 79, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो यह है 7 से 12 वर्ष। इसके बाद गिलफोर्ड ने अभिसाय चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो वह किया है सृजनात्मकता चिंतन। इसके बाद 81, बुद्ध का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारात्मक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। इसके बाद जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। इसके बाद 83, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इसके बाद 84, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता रखती है, या फिर योग्यता है। इसके बाद 85 नंबर, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक समान योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। इसके बाद 86, बकिंगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इसके बाद वैसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वैसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की तार्किक चिंतन करने की या फिर वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। इसके बाद 88, समानता बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो समानता बुद्धि 3 प्रकार की होती है, एक अमूर्त बुद्धि, दूसरी मूर्त बुद्धि जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं मूर्त बुद्धि को। इसके बाद 90 नंबर, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। इसके बाद 91, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह था रुडोल्फ गोयल। जो रुडोल्फ गोयल हैं, इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1590 ईस्वी में। इसके बाद 92, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान आदि। इसके बाद 93, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान है। 94, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। 95, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, और यह सबसे पहले किसने कहा? तो यह सबसे पहले पोम्बो ने कहा। इसके बाद 96 नंबर, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाता था, और यह सबसे पहले विलियम जेम्स एवं वुंट ने कहा। इसके बाद 97 नंबर, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था, और यह सबसे पहले वाटसन ने कहा। इसके बाद 98, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी?
तो थार्नडाइक ने 1903 में लिखी। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम बना ये 2009 में बना और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके बाद 101 नंबर, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके बाद शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं, तो अनुच्छेद 21 का ए, इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन, CBSE कब बना, तो CBSE 1929 में बना। इसके बाद 104 नंबर, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, तो अगर एक शिक्षक है तो 30 विद्यार्थी होने चाहिए, अर्थात 1:30 होना चाहिए। इसके बाद 105 नंबर, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है, तो यह करता है CBSE बोर्ड। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अज्ञात से ज्ञात की ओर हम किस विधि में पढ़ते हैं, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर हम विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं, तो वह पढ़ते हैं संश्लेषण विधि में। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है, तो वह विधि होती है आगमन विधि। इसके बाद 110, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है, तो वह होती है निगमन विधि। प्रश्न नंबर 111, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है, तो वह है आगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है, तो वह है निगमन विधि। इसके बाद देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है, तो वह आधारित है प्रदर्शन विधि पर। प्रश्न नंबर 114, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है, तो वह आधारित है प्रयोगात्मक विधि। देखो मित्रों, जब देखो सुनो और समझो पूछा जाए तो प्रदर्शन विधि होगा, लेकिन जब देखो सुनो और बोलो, यहाँ पे बोलो और यहाँ समझो, ठीक है, तो वह हो जाएगा फिर प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो वह होता है आगमन विधि में। इसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है, तो वह करती है प्रयोगशाला विधि। इसके बाद किंडरगार्टन विधि, अर्थात LKG व UKG के जनक कौन हैं, तो यह आधारित हैं फ्रोबेल पर, और इनके कौन से हैं विधि, खेल विधि जो है खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। इसके बाद मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन हैं, तो जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं यह विधि, ये इनके जनक हैं, और यह मारिया मॉन्टेसरी इटली के रहने वाले तथा यह विधि जो है इंद्रियों अर्थात ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। खेल प्रशिक्षण के जनक कौन हैं, तो हेनरी कार्डवेल कुक हैं। इसके बाद डाल्टन पद्धति के जनक कौन हैं, तो डाल्टन पद्धति के जनक कुमारी हेलन पार्किस्ट हैं। इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है, तो खेल के मैदान में बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है, आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, ठीक है, ये क्या हैं, ये समाजीकरण के नियम हैं। इसके बाद 122 नंबर, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है, तो वह उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। इसके बाद प्रश्न नंबर 123, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था, तो वह दिया था कुर्ट लेविन ने। इसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो वह हैं जर्मनी के। इसके बाद गेस्टाल्टवादी क्या है, तो गेस्टाल्टवादी जर्मन के विद्वानों का समूह है जिसमें 3 लोग शामिल हैं, कोहलर, कोक्का और वर्दिमर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, कर्ट लेविन के संप्रदाय के जनक कौन हैं,
तो वह हैं कर्ट लेविन के संप्रदाय के समर्थक हैं, तो वह हैं संज्ञानवादी। इसके बाद 127 क्षेत्र सिद्धांत किस 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 नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है संगणनात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा है स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, तीसरा है बाल दिशा मनोविज्ञान। अगर ये आ जाता है तो यह तीनों क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद 128 कोर्ट लेविंग के क्षेत्र सिद्धांत के क्षेत्र में क्या अर्थ है, तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। इसके बाद 129 अधिकम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो रॉबर्ट गैने ने दिया। रॉबर्ट गैने ने किस संप्रदाय के समर्थक हैं, तो वह हैं संज्ञानवादी। इसके बाद 131 रॉबर्ट गैने कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये थे अमेरिका के। इसके बाद रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास के को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है, जिसका क्रमिक रूप क्या है देखते हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अधिगम, तीसरा है एसआर अधिगम भी कहते हैं, ठीक है, उद्दीपक जो अधिगम है इसको एसआर अधिगम भी कहते हैं, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, पांचवा है विभेदन अधिगम, छठवां है प्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। इसके बाद प्रश्न नंबर 133 रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सिद्धांत अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो संकेत अधिगम। इसके बाद प्रश्न नंबर 134 रॉबर्ट गैने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो वह है समस्या समाधान अधिगम। इसके बाद प्रश्न नंबर 135 रॉबर्ट गैने के अनुसार बालक अधिगम कब पूरा हो जाता है, तो 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। इसके बाद 136 छात्र शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिया था पावलोव ने। 137 पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो वह थे व्यवहारवादी। इसके बाद प्रश्न नंबर 138 डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर आधारित है, वह आधारित है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 137 खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भाग जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था, तो वह किया था कोहलर ने। इसके बाद कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक हैं, तो कोहलर जो है संज्ञानवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो वह किया था स्किनर ने। इसके बाद स्किनर का किस संप्रदाय के समर्थक हैं, तो वह हैं व्यवहारवादी। इसके बाद प्रश्न नंबर 144 नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। इसके बाद अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो कोहलर ने दिया। इसके बाद मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, तो वह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो दिया ब्रूनर ने। ब्रूनर किस सिद्धांत के समर्थक हैं, संज्ञानवादी। इसके बाद 149 कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान के हर क्षेत्र पर बल देता है, क्षेत्रीय सिद्धांत। इसके बाद गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो संपूर्ण एवं समग्र। प्रश्न नंबर 151 नंबर हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हर वीडियो में हम 75 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और यह श्रृंखला जो है टोटल 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। यह दूसरी वीडियो है, इसके पहले हमने एक वीडियो बना चुके थे जिसमें 1 नंबर से लेकर 76 नंबर तक क्वेश्चन को किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 151 नंबर से 175 नंबर तक।